पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें फायर बटन की सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताया था जिस पर तुम लोगों ने इतना भर भर के प्यार दिया जिसे देखकर मुझे इतनी खुशी। इसी खातिर आज की वीडियो में हम भैया जंप बटन के ऊपर बात करेंगे। और मुझे ये ज्ञात है अगर तुम इस वीडियो पे पधारे हो तो तुम्हें 100% अपना कस्टम एचयूडी चेंज करना होगा। लेकिन कंफ्यूज ये आ गए हो कि कस्टम एचयूडी में जंप बटन को लेफ्ट साइड में रखें या राइट साइड में, क्योंकि जंप बटन को तुमने सही स्थान पर रख दिया तो तुम्हारा गेम प्ले नेक्स्ट लेवल अर्थात प्रो, और अगर गलत स्थान पर रख दिया तो नूब। इसीलिए मेरे प्यारे भाई, अगर तुम अपने कस्टम एचयूडी को 3 फिंगर या 4 फिंगर बनाने वाले हो तो कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देख लेना। तो देखो भाई, जंप बटन की कस्टम एचयूडी में बेस्ट पोजीशन को जानने से पहले तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम बनना क्या चाहते हो, वन शॉट प्लेयर या वीआर प्लेयर। क्योंकि जब तक तुम ये डिसाइड नहीं करोगे तो तुम अपने लिए कस्टम एचयूडी में जंप बटन की बेस्ट पोजीशन नहीं ढूंढ सकते। और हाँ, जो भी डिसाइड करो वो नीचे कमेंट में बता देना, क्योंकि तुम्हारा भाई एक एक कमेंट को पढ़ने के बाद उसको लाल गुलाबी दिल जरूर देता है, जैसा कि तुम देख ही रहे हो। तो देखो, जंप बटन की बेस्ट पोजीशन जानने के लिए अब हम अपने कस्टम एचयूडी को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला अपर लेफ्ट, उसके बाद लोअर लेफ्ट, उसके बाद अपर राइट, उसके बाद लोअर राइट। तो यही 4 पोजीशन है अपने कस्टम एचयूडी पर जहां पर हम अपने जंप बटन को रख सकते हैं। लेकिन भैया, इन 4 प्लेस में से तुम्हारे लिए कौन सी पोजीशन बेस्ट है जहां पर तुम जंप बटन को रख कर अपना गेम प्ले अखंड प्रो कर सकते हो? वेल, उसको हम जानेंगे हैंड गेम के साथ। ये क्या सुन रहा हूं मैं? तो देखो, अगर तुम अपने जंप बटन को लेफ्ट लोअर साइड में रखते हो, जो कि बहुत से वन शॉट प्लेयर अपने कस्टम एचयूडी में रखते हैं, लेकिन अगर तुम जंप बटन को यहाँ पर प्लेस करते हो तो तुम्हें रैंक में बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और वो परेशानी क्या है वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। नो डाउट, जंप बटन को यहाँ पर रख कर तुम जिगजैग के साथ एकदम ओपी वन शॉट मार सकते हो, लेकिन जंप बटन को यहाँ पर रखने से तुम जॉयस्टिक जंप नहीं कर सकते। मगर क्यों? और जॉयस्टिक जंप क्या है वो तुम हैंडकम पर देख लो यार। तो देखो, अगर हम किसी भी कवर पर खड़े हैं और एनिमी हम पर रश करता है और हमें उसी टाइम पर उसे जॉयस्टिक से साइड जंप करके बंदे को लपेटना होता है, लेकिन अगर तुम्हारा जंप बटन यहाँ पर प्लेस है तो तुम जॉयस्टिक के साथ साइड जंप नहीं कर सकते, जैसा कि तुम हैंडकम पर देख सकते हो। क्योंकि भैया, साइड जंप करने के लिए तुम्हें जॉयस्टिक और जंप बटन को एक टाइम पे यूज करना पड़ेगा, जो कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि जॉयस्टिक और जंप बटन तुम्हारा एक ही साइड में और तुम एक थंब से कैसे इसको यूज कर सकते हो। तो भैया, जंप बटन की ये वाली पोजीशन अनलिमिटेड कस्टम को खेलने के लिए तो बहुत ओपी है, लेकिन वीआर के लिए ना। तो अगर तुम्हें सिर्फ कस्टम प्लेयर बनना है तो तुम ये वाली जगह पे जंप बटन को रख सकते हो, अदरवाइज वीआर के लिए ये जंप बटन का उच्च स्थान नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब जंप बटन की राइट लोअर पोजीशन को देखेंगे कि ये पोजीशन तुम्हारे लिए कैसी है। तो अगर तुम जिगजैग मूवमेंट जंप के साथ वन शॉट मारना चाहते हो तो जंप की इस पोजीशन को भूल जाओ, क्योंकि जंप बटन को यहाँ पर रखने से तुम जिगजैग कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिगजैग करने के लिए तुम्हें अपने कैमरा एंगल को लेफ्ट राइट करके तुरंत जंप और गन स्विच करना होता है, जो कि जंप बटन को यहाँ पर रखने पर संभव नहीं है। तो अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पर रख के तुम जिगजैग जंप मूवमेंट कर सकते हो तो ऐसा नहीं है। और अब इसके बाद बची है हमारी कस्टम एचयूडी की 2 पोजीशन, अपर लेफ्ट एंड अपर राइट। तो देखो, अगर तुम 4 फिंगर का सोच रहे हो तो राइट अपर पोजीशन तुम्हारे लिए बेस्ट है, जहाँ पर तुम जंप बटन को रख कर हर टाइप का गेम प्ले कर सकते हो, फिर चाहे वो वीआर में हो या अनलिमिटेड कस्टम। और ऐसा ही अगर तुम 3 फिंगर पे हो तो लेफ्ट अपर पोजीशन तुम्हारे लिए बेस्ट है, जहां पर तुम जंप बटन को रखकर अखंड लेवल प्रो का गेम प्ले दिखा सकते हो, क्योंकि यहां पर रखने से तुम जिगजैग जंप के साथ साथ वन शॉट प्लस जॉयस्टिक जंप भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारा रैंक गेम प्ले भी बहुत ही ओपी हो जाएगा। और अगर तुम्हें भी जिगजैग जंप करना कैसे है वो सीखना है तो तुम लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हो, और मैं भी तुमको वही मिलता हूँ।